और उत्साहित जनसभा के आयोजक मेरा छोटा भाई, हमारा एमसी तगड़ा, जो भाई किसी की परवाह नहीं करता और तगड़ी तरीके से काम करता है, मामन जी, हमारे संदीप भारद्वाज जी, कर्मवीर एमसी साहब, रोशनलाल एमसी जी, दलबीर छोटू एमसी जी, नरेंद्र तंवर एमसी जी, वासुदेव शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक मंत्री रहे राम प्रताप, मेरे भाई राम प्रताप शर्मा जी, अशोक बोवानी वाला जी, हमारे बीच में इतनी जबरदस्त तरीके से इतने वो कहते हैं ना उत्साहित हो के अभी नाच करा जिन्होंने, नंद किशोर जी, हमारा बच्चा प्रदीप गुलिया जी, और हमारे बीच में आए हुए नरेश शर्मा जी जो हमारे एक से मिले हैं बादली से, अशोक एमसी जी, हरिराम एमसी जी, संजय कौशिक जी, देवराज मेहता जी, विनोद छपरिया जी, राजकुमार एमसी जी, कृष्ण लेगा जी, और भाई मंच के ऊपर सारे जी, और मामन के मामा, मामन का मामा और मामन का फूफा जी, ठीक है ना, यहाँ आए हुए बहुत ही पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग भाइयों, और बहुत बहुत प्यारी मेरी माताओं बहनों, मैं अपने पत्रकार भाइयों से थोड़ा सा प्रार्थना करूंगी, आप अगर इधर आ जाएं, माताएं बहनें जो हैं वो अच्छी तरह उनको नजर आ जाएगा, थोड़ा सा साइड में हो जाए, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, हाँ मेरी माताएं बहनें जो हैं इतनी देर से बैठी है बेचारी, तो अपना उनका जो है बहुत जरूरी है, क्यों माताओं बहनों, ठीक है ना, हाँ जहाँ माताएं बहनें इतनी तादाद में हो, मेरा तो खून वहां शेर से सवा शेर वैसे ही हो जाता है। आज मुझे याद आ रहा है वो दिन पिछली बार जब श्रुति चौधरी भिवानी से भारी बहुमत से भारी मतों से जीत के निकली थी और मामन ने ही वो मीटिंग करवाई थी, याद है मामन, बहुत कितने मत 2009 की बात, 2009 कहां पे करी थी, एक मीटिंग करी थी जोहार चौक में, यहाँ भी करी थी, तो और दो ये जो है आज जिस तरह का उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे वो दिन फिर याद आ रहे हैं, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिस तरह का आपका मान सम्मान जो आपने मुझे दिया है, इसका मैं केवल एक बात कहना चाहूंगी कि ये मान सम्मान की पगड़ी आपकी कभी नीचे नहीं होगी, आगे ही आगे बढ़ेगी, हमारे यहाँ पे श्रुति चौधरी जब जीत कर निकली तो एक चीज का बहुत अभाव था, सारी जगह हमने घूमकर देखा और पता चला कि भिवानी के अंदर सीवर और पानी की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, खत्म हो चुकी है, चौधरी बंसीलाल जी ने कभी अपने समय पर काम किया था लेकिन चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद, सत्ता से बाहर होने के बाद भिवानी की सुध बुध किसी ने नहीं ली और हमारा हाल वो हो गया, बद से बदतर हमारा हाल हो गया। श्रुति ने तय करा कि सबसे पहला काम जो मैंने भिवानी के लिए करना है वो है कि सीवर की व्यवस्था करी जाए और पानी की पाइपलाइन जगह जगह पर डाली जाए। मैंने जब अपने अफसरों को बुलाया और उनको कहा कि खाका तैयार करो जिसके अंदर पूरी तरह से जाल एक बिछ जाए सीवर और पानी का, तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बिल बनाकर दे दिया कि मैडम ये तो हो नहीं सकता, इतना पैसा लगेगा। आपको मैं बताना चाहती कि मेरा विभाग का कुल जो पूरा का पूरा बजट हरियाणा के लिए 1700-1800 करोड़ उस समय जो था 14 साल पहले, उस बजट के अंदर ये काम नहीं हो सकता था क्योंकि पूरे हरियाणा में मुझे काम करना था मंत्री होने के नाते। तो श्रुति को मैंने कहा कि बेटा ये कैसे हो पाएगा, श्रुति ने मुझे कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं मां,
मैं केंद्र सरकार से नाबार्ड के जरिए पैसा लेकर आऊंगी, पैसा मैं लाऊंगी, गली गली के अंदर काम करो ताकि कोई भी हमारी भवानी की एक गली वंचित ना रह जाए। उस समय जब ये बात शुरू हुई मैंने अफसरों को बुला के कहा कि भाई काम शुरू करो, पैसे की फिक्र मत करना। उस समय मामन भी आए, अपने इलाके का पूरा खाका लेकर आए। माताओं बहनों, दो मिनट की बात है, आपको मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। मामन जी भी लेकर आए कि मेरे इलाके के अंदर मैडम ये काम करिए, यहाँ पर सीवर और पानी की बहुत खराब व्यवस्था है, इसको आप इसको दुरुस्त करिए। और यहाँ पे भिवानी इस बात का गवाह है कि मेरी कलम से जो मेरे पास आया एक मिनट के अंदर उसका काम किया, और भाई पूरे भिवानी का एक तरफ का हमने काम किया। बड़े बड़े काम जो थे श्रुति ने करे, एनसीआर में आपको लेकर आई, आपके यहाँ पे पानी की व्यवस्था के लिए शायद आपको मालूम नहीं, यहाँ पर पानी की राशनिंग शुरू हो जानी थी, पानी पीने को नहीं मिलना था। 7 बड़े बड़े टैंक श्रुति के पैसे से हमने भिवानी के अंदर बनाए, और उसके साथ साथ हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए कि जहाँ पानी जो है साफ सुथरा तरीके से आए, और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जहाँ पे आपका सीवर जाकर वो पानी साफ करकर ढाना रोड के ऊपर पानी जाता है और 16-17 गांव को वो पानी सिंचित करता है। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो थे ये श्रुति ने आप लोगों के लिए करे। मेडिकल कॉलेज भी श्रुति ने आपके लिए स्वीकृत करवाया, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये बीजेपी सरकार 5 साल से जो प्रोजेक्ट हमारे लिए श्रुति चौधरी लेकर आई थी उसके ऊपर इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। और तो बात छोड़िए, जो काम हुआ सो हुआ, मुझे मालूम चला कि हमारे एमसी भाई यहाँ पर धरने में बैठे, किस लिए धरने में बैठे हैं कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही, सीवर जैम हो गए हैं। सही बात है क्या ये? सही बात है, हाथ खड़े करके बताओ। सीवर जैम हो रहे हैं, पानी गंदा मिल रहा है, अभी भी गंदा आ रहा है, और इनकी एमसी का मतलब छुड़े हुए नुमाइंदे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। मेरे समय पर किसी की हिम्मत नहीं थी एक अफसर की, तुम जानते हो जो गलत काम और जो सुनवाई नहीं करता उसको चूड़ी चढ़ाना मुझे अच्छी तरह से आता है। हमने अपने समय में पर यहाँ पे 2 सुपर सकर मशीन जो है करोड़ों रुपए की लाकर रखी कि जहाँ पे भी सीवर की कमी आए, जहाँ पे भी सीवर की शिकायत आए, उन मशीनों के जरिए सफाई करके जो है हम वहां पे काम कर सके। लेकिन हमारे लिए भिवानी के लिए जो मशीनें खरीदी गई थी वो हमारे मुख्यमंत्री साहब करनाल उठाकर ले गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग हैं ये। हमारे भिवानी के साथ जो सौतेला व्यवहार करा गया है उसको क्या तुम कभी माफ करोगे, ये मुझे बताओ। हमारे भिवानी के साथ जो इन्होंने जुल्म करा है उसको माफ करोगे क्या, तुम मुझे बताओ। आज खाली एक मौका मिलता है, वो मौका है वोट की चोट का, समझ गए। 36 बिरादरी हमारी एक है, चौधरी बंसीलाल के घर में कभी कोई जात पात की राजनीति, गंदी राजनीति नहीं हुई। चौधरी बंसीलाल हमारा घर सबका घर है, भिवानी का घर है, ये चौधरी बंसीलाल जी का घर हमारे लोगों का घर है, और उस घर की शान, उस घर का ताज भिवानी के लोग हैं और 36 बिरादरी के लोग हैं। तो ये कोई भी अगर ये बीच में फैलाने की कोशिश करते हैं, ये बीजेपी ने काम कुछ नहीं करा, केवल एक काम करा। क्या काम करा? भाईचारा खराब करने का काम। सही है या नहीं? ये क्यों कि इनकी आदत है इनको बांट दो, बांट बट गए तो इनका ध्यान ना सीवर पे जाएगा, ना पानी पे जाएगा, ना नौकरियों पे जाएगा, ना कोई व्यवस्था पे जाएगा। और जो ये जो दूसरे डुगडुगी लेकर आते हैं
ये मोदी जी जो है ना, इनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं है भाई। मैं भी बता रही हूँ, टुकड़ी जैसे बजाते हैं ना मदारी, उस तरह से आते हैं ये लोग। कभी कहेंगे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सारे बड़े राजी हुए बड़ी अच्छे दिन आएंगे। बताओ माताओं बहनों, तुम बैठी हो वहां, मैं माताओं बहनों से एक बात पूछती हूँ, आज गैस का सिलेंडर कितने का हो गया बहनों? 900 रुपए का हो गया। हमारे टाइम पे 400 रुपए का था। अच्छे दिन आ गए ना। चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया या नहीं मुश्किल हो गया, बताओ आप खड़ा करके। बिल्कुल, चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया हमारी माताओं बहनों का। मोदी जी ने कहा था काला धन लाऊंगा, सारे बड़े खुश हुए भाई। काला धन आएगा भाई और हमारे खातों के अंदर आएगा, होया था ना या नहीं हुआ था बताओ भाई, सच्ची बात है नहीं? सारे बड़े राजी हुए भाई। बात तो ये हुई, जो काला धन तो बेरानी किसका आया नहीं आया, जो काला धन वाले थे सफेद करके ले ली मौज उनने, तो जो हमारा अपना धन था, हमारा जो अपना धन था, जो हमने एक एक रुपया दबा दबा के सालों से बचा बचा के रखा था, निकाल के निकाल दिया नहीं निकाल दिया मोदी जी ने बताओ? निकाल दिया। हर एक औरत की आदत होती है भाई, उसकी जब तक उसकी अलग से एक पोटली ना हो ना, जो चुपचाप करके वो रखती है, उसके संतुष्टि नहीं होती। वो इसलिए कि भाई कोई बुरा वक्त आ जाए तो पैसा निकालना पड़े, सही बात है या नहीं? कोई भाई बहू से छुपा के बेटी को देना हो, सही बात है या नहीं? और भी भाई बहुत सारी चीजें होती हैं जो औरतों की जरूरतें होती हैं, लेकिन ये मोदी जी ने तो जो हमारा बचा बचाया पैसा सालों साल से रखा था वो भी निकाल दिया। निकाल दिया नहीं निकाल दिया बताओ? निकाल तो दिया, छोटी और बना दी। बना दी कि नहीं छोटी? सबके सामने ये बात आ गई कि भाई कितना दबा दबा के रख रही थी, सच्ची बात है या नहीं बताओ भाई? सही बात है ना? घर के अंदर रोड़े और हो गए कि तू इतना कर रही थी, बेरा ही नहीं था, ने बताया ही नहीं था। नीचे हो जाओ भाई, नीचे हो जाओ, पीछे वाले नहीं देख पा रहे, नीचे हो जाओ। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी, और फिर भाई 15 लाख आएंगे। अब मैं तुम्हारे को एक वाक्य सुनाती हूँ। मैं एक मीटिंग के लिए, जनसंपर्क अभियान के लिए पानीपत गई हूं, तो वहां मेरे पास एक बहन आई। सुनो, बड़े सुनने वाली बात है। एक बहन आई मेरे पास और मेरे को उसने कहा कि बहन जी डीसी से बात कर लो। किस बात पे बहन? कि मेरा जो है, मैंने लोन लिया हुआ है 7 लाख रुपए का और डीसी मेरी कुर्की निकाल रहा है, और अगर मुझे 2 महीना और दे देगा तो भाई मैं चुका दूंगी। तो मैंने उससे पूछा कि बहन मुझे ये बता, 7 लाख का तूने लोन लिया है, कब लिया था? कहती जी 5 साल पहले लिया। तो मैंने पूछा 5 साल पहले से लेकर अब तक कुछ तो उसका भुगतान करा होगा? कहती नहीं जी, एक पैसा नहीं भुगतान मैंने करा। तो मैंने पूछा उससे कि 5 साल से एक पैसे का भुगतान तो नहीं करा बहन तेने, अब 2 महीने में तू 7 लाख इकट्ठे कहां से ले आएगी? तो उसने मुझे कहा बहन जी मैं यही तो डीसी साहब को समझा रही थी।